राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा में हर दिन नई समस्याएं देखने को मिल रही है। नया मामला बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का है और इस बार गैर जिम्मेदारी की हद पार कर दी गई है। इस बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प मराठी भाषा में दिए गए थे। गुरुवार को बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में नई शिक्षा के गांधीवादी दर्शन और सामुदायिक विकास की पद्धति पर एक पेपर था। इस पेपर में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्नों में उत्तर के चार विकल्पों में से तीन विकल्प मराठी भाषा में है। कुछ प्रश्नों में केवल एक विकल्प दो बार दिया जाता है। छात्रों ने तुरंत प्रश्न पत्र को लेकर शिकायत की। इस मामले में विवि की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेपर रद्द होगा या वही पेपर रहेगा। लेकमेटन विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई है।